हमारी दुनिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और हमारी प्रकृति ने हमें कुछ ऐसी चीज़ों से नवाजा है जिन्हें देखने के बाद हमें असली खूबसूरती का अंदाज़ा होता है। विशाल झरने, खूबसूरत पर्वत, खूबसूरत जीव, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर हमें हमारी धरती की प्राकृतिक सुंदरता का पता चलता है। लेकिन हमारी प्रकृति में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो भले ही कम दिखाई देती हों लेकिन वो इतनी खूबसूरत हैं कि कोई भी इंसान उन्हें देखने के बाद बिना प्रसन्न हुए नहीं रह पाता। इन्हीं चीजों में से एक है रेनबो यानी इंद्रधनुष। हालांकि ये बहुत ही कम दिखाई पड़ते हैं लेकिन इंद्रधनुष इतने खूबसूरत होते हैं कि इन्हें जितना देखा जाए उतना कम है। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि आखिर इंद्रधनुष का निर्माण होता कैसे है या फिर ऐसी कौन सी प्राकृतिक वजह है जिससे इंद्रधनुष का खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल समथिंग इंटरेस्टिंग में और आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस लगातार लाते रहते हैं। ये जानने के लिए कि इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है आपको थोड़ा सा लाइट यानी प्रकाश के बारे में जानना होगा। सूरज से निकलने वाली रोशनी भले ही हमें सफ़ेद रंग की दिखती हो लेकिन ये सफ़ेद रोशनी असल में अलग अलग प्रकार के रंगों का मिश्रण होती है और कुल मिलाकर 7 अलग अलग रंगों के मिलने से ये रोशनी बनती है और ये सभी रंग एक खास पैटर्न में पाए जाते हैं जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम विबिगोर बोलते हैं। यहाँ वी का मतलब वायलेट है यानी बैगनी रंग, आई का मतलब इंडिगो है जिसका मतलब नीला रंग होता है, ब्लू का मतलब आसमानी रंग, ग्रीन का मतलब हरा, येलो का मतलब पीला, ऑरेंज का मतलब नारंगी और रेड का मतलब लाल से है। ये रंग भले ही हमारी आंखों को नजर ना आते हों लेकिन ये सभी रंग लाइट में मौजूद होते हैं और अगर आप इन रंगों को देखना चाहते हैं तो आपको एक प्रिज्म की जरूरत पड़ेगी। जब भी रोशनी प्रिज्म के अंदर से जाती है तो वो बाहर 7 अलग अलग रंगों में निकलती है और यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष का निर्माण हमेशा बारिश के मौसम में होता है। बारिश की बूंदें जब आसमान में मौजूद होती हैं और इनके पीछे सूरज निकलता है तो सूरज से आने वाली रोशनी इन बूंदों से टकराने लगती है और इन बूंदों से टकराकर वो 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है। दरअसल बारिश की ये बूंदें प्रिज्म का काम करती हैं। रोशनी इन बूंदों से निकलकर अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है, इसलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बारिश की ये बूंदें छोटे छोटे हजारों प्राकृतिक प्रिज्म होते हैं जिसकी वजह से हमें लाइट में मौजूद सारे रंग दिखाई देते हैं। और जब बहुत सारी बूंदों से इसी प्रकार के रंग बाहर निकलते हैं तो अंत में वो एक बड़ा इंद्रधनुष बना देते हैं। लाइट का प्रिज्म के अंदर से निकलकर 7 रंगों में अलग अलग बंटने की इस प्रक्रिया को डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोला जाता है और इसी वजह से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस लगातार लाते रहें।